बोलते इतना भी पता कि भाभी देवर कहाँ चलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीचे और मैं हूं शुभम शुक्ला। तो वीडियो देखा आपने, वीडियो में जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो बीजेपी के पार्षद हैं। दरअसल बीजेपी पार्षद ने अपने दोस्त की पत्नी को साथ सोने का ऑफर दिया था और पहुंच गए थे उनके घर, लेकिन बीजेपी पार्षद का यह दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया और बीजेपी पार्षद को अपने दोस्त के घर पहुंचने पर ही उनके दोस्त की पत्नी ने चप्पलों से बीजेपी पार्षद की देह दनादन पिटाई शुरू कर दी। घटनास्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पिटाई का वीडियो बना लिया और 15 दिन पूर्व पिटाई का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी पार्षद नहीं सुधरे और बदतमीजी की सारी हद पार करते हुए बीजेपी पार्षद ने एक बार पुनः अपने दोस्त की पत्नी को फोन कर सोने का ऑफर दिया और फिर से दोस्त की पत्नी अपने एक दोस्त के साथ बीजेपी पार्षद को सबक सिखाने के लिए बीजेपी पार्षद के दुकान पहुंच गई। लेकिन इस बार यह दांव बीजेपी पार्षद के दोस्त की पत्नी को उल्टा पड़ गया और बीजेपी पार्षद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने दोस्त की पत्नी और उसके दोस्त की पिटाई शुरू कर दी। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है और पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी तक बीजेपी पार्षद फरार चल रहे हैं। ये कहां का है वीडियो, आपको आइए पूरी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के सिंगा का है, जहां लगभग 15 दिन पहले बीजेपी पार्षद सूर्यकांत तामकार अपने दोस्त के घर गया था। बीजेपी पार्षद ने यहां दोस्त की पत्नी को अपने साथ अवैध संबंध बनाने को कहा। आरोप यह भी है कि बीजेपी पार्षद ने दोस्त की पत्नी से कहा कि देवर भाभी में सब चलता है। चौंकाने वाली बात यह रही कि महिला का पति भी अपनी पत्नी की बजाय बीजेपी पार्षद का साथ देने लगा, जिसके बाद भड़की पत्नी ने पार्षद की तो पिटाई की ही, साथ ही साथ अपने पति की भी पिटाई कर दी और संबंध तोड़ने तक की बात कह दी। अभी फिलहाल मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि आरोपी पार्षद फरार चल रहा है। पीड़िता द्वारा थाना सिंगा में ये शिकायत की गई कि पुराना बस स्टैंड सिंगा में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, वह उनके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज किया गया है, वह उनका लज्जा भंग करने का कृत्य किया गया है, जिसमें तत्परता दिखाते हुए थाना सिंगा में अपराध क्रमांक 381/21, धारा 294, 506, 323, 452, 354, 34 कायम कर विवेचना में लिया गया है। इसमें एक आरोपी टेगू देवांगन को गिरफ्तार कर लिया गया है, वह दूसरे आरोपी सूर्यकांत ताम्रकार को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगा। मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।